आठ दस दिन पहले जूना आगरा रोड पे मालेगांव मध्य के आमदार मौलाना मुफ्ती साहब उनके नेतृत्व में कुछ आंदोलन हुआ। वो आंदोलन होने के बाद तुरंत दूसरे दिन ही 20 करोड़ रुपए का निविदा उन्होंने मंजूर करके टेंडर नोटिस फ्लैश कर दी। इतने जल्द गति में उधर काम हुआ। मालेगांव शहर में शिवसेना की ओर से आज प्रभाग क्रमांक एक कार्यालय पर सभी शिव सैनिकों के साथ जो ताला टोका आंदोलन हो रहा है। 15 जून 2022 को मालेगांव महानगरपालिका के सभी नगर सेवकों की दम खत्म होने के बाद प्रशासन सब कामकाज देख रहा है। आयुक्त प्रशासक है, उनके अंडर में पूरा कामकाज शहर में चल रहा है। हम सभी कारपोरेटरों ने और मंत्री महोदय भुसे साहब ने भी 4-5 महीनों से प्रशासन को जो मालेगांव शहर का पश्चिम भाग है प्रभाग क्रमांक एक उसमें कुछ विकास काम सुझाए थे, लेकिन आज की तारीख तक प्रशासन ने उसकी ओर कुछ ध्यान दिया नहीं। हालांकि जो बजट मार्च में होता उसकी सुनवाई 1-2 महीने बाद होनी चाहिए। आज 5-6 महीने होने के बाद भी 1 रुपये का बजट इस भाग में दिया गया नहीं। इसके विरुद्ध अभी एक 8-10 दिन पहले जूना आगरा रोड पे मालेगांव मध्य के आमदार मौलाना मुफ्ती साहब उनके नेतृत्व में कुछ आंदोलन हुआ। वो आंदोलन होने के बाद तुरंत दूसरे दिन ही 20 करोड़ रुपए का निविदा उन्होंने मंजूर करके टेंडर नोटिस फ्लैश कर दी। इतने जल्द गति में उधर काम हुआ। तो मेरा प्रशासन से प्रश्न है कि यहाँ इधर के आवाम भी महापालिका को कर देती है तो उनका फर्ज है कि जैसा उधर 20 करोड़ रुपया उन्होंने निधि दिया है उसी तरीके का निधि इधर के एरिया में ये लोगों को मिलना चाहिए। ये हमारी सबकी मांग है और ये मांग लेके हमने आज ताला ठोका आंदोलन यहाँ पर किया। इसके जानिब से यहाँ पर प्रभाग क्रमांक एक को ताला ठोका आंदोलन यहाँ पर हुआ। आंदोलन करने की जो वजह थी वो वजह हमने प्रशासन को दी है और प्रमुख उसमें विषय था कि जो निविदा है प्रभाग कार्यालय जो सबसे ज़्यादा टैक्स भरता है उसमें ही असुविधा हो रही है। इसके लिए हमने जो मांग रखी है विकास कामों की यादी लिस्ट हमने दी है, उसके साथ ही आरोग्य और स्वच्छता के बारे में हमने कुछ मांगे रखी है। हमारी मांगों को ख्याल में रखते हुए मालेगांव प्रशासन महापालिका के उपायुक्त गिरी साहेब और उनके कुछ अधिकारी यहाँ पहुँचे और आयुक्त की तरफ से उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार के हमें ठोस आश्वासन दिया कि आने वाले 8 दिनों में हम आपकी पूरी मांगे जो है वो पूरी करेंगे। ऐसा ठोस आश्वासन देने के बाद ही हम यहाँ पर जमे हुए शिव सैनिक, युवा सैनिक, सभी लोक प्रतिनिधि यहाँ पर हमने उनकी बात को रखते हुए ये 8 दिन की मोहलत प्रशासन को दी है। अगर आने वाले 8 दिनों में हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो इसके बाद में जो आंदोलन होगा वो तीव्र आंदोलन होगा। आज जो हमने शांतता के साथ यहाँ पर आंदोलन किया है, कोई भी तोड़फोड़ की नहीं है, किसी को गाली दी नहीं है, हमने शांतता के साथ यह आंदोलन किया है। लेकिन आने वाले 8 दिन में अगर हमारा आंदोलन ध्यान में नहीं लिया, हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो मालेगांव महानगर पालिका के मुख्य प्रवेश द्वार पे महानगर पालिका में जाकर के तीव्र ऐसा आंदोलन हम शिवसेना स्टाइल से करेंगे, ये भी इशारा हम प्रशासन को आज दे रहे हैं। आज हमने जो मांगे रखी उसका ठोस आश्वासन मिलने के बाद ये ताला ठोका आंदोलन हमने पीछे लिया है और ताला खोल के प्रशासन को उनके कामकाज के लिए जगह कर दी है। इतना ही बोल के खत्म कर दिया।